गांव के विकास के लिए 14वें वित्त आयोग में परफॉर्मेंस ग्रांट के तहत जनपद के 34 गांव का चयन किया गया, जिसमें टेंडर के माध्यम से विकास कार्य भी शुरू कर दिए गए हैं। लेकिन कुछ दिन पहले परफॉर्मेंस ग्रांट के तहत होने वाले कार्यों में धांधली की शिकायत भी मिली थी, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने 3 सदस्यीय टीम का गठन किया था। इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी ने शासन को प्रेषित कर दिया है और उस पर कार्रवाई भी की गई है। जिलाधिकारी ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि परफॉर्मेंस ग्रांट के तहत होने वाले विकास कार्यों में धांधली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडे ने कहा, टोटल 37 गांव में गोरखपुर में परफॉर्मेंस ग्रांट का अंदर हम लोग को बजट मिला है चुनाव के पहले। उस पर 5 गांव में अनियमितता का शिकायत मिली है। उसका 3 मेंबर का कमेटी हम लोग गठन किए हैं। गठन में जो साबित हुआ है कुछ अनियमितता हुआ है ग्राम पंचायत लेवल पे, कुछ कर्मचारी लेवल पे, कुछ अधिकारी लेवल पे, सभी के ऊपर कार्रवाई के लिए हम लोग शासन लेवल पे भी लिखे हैं, स्थानीय लेवल पे FIR दर्ज किए हैं, स्थानीय लेवल पे वसूली की कार्रवाई भी शुरू कर दी है, ताकि वो जो बाकी जनपद और बाकी जगह भी ये मैसेज चले जाएँ, ताकि गोरखपुर में जो भी जनता का पैसा है केवल जनता के लिए लगेगा, कोई उसका लेने के लिए प्रयास करेगा तो ज़रूर सख्ती कार्रवाई होगी।